हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी पृथ्वी सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि कई अन्य जीव जंतुओं का भी घर है, लेकिन हम लोग अपनी कई जरूरतों को पूरा करने के लिए धरती को कई तरह के नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से आज हमें बाढ़, क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अगर अभी से हम इंसान अपनी हरकतों से बाज ना आए तो आगे चलकर ये हमारे लिए और भी परेशानी बन सकती है। इंसानों को धरती के प्रति जागरूक करने के लिए ही हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। और आज अर्थ डे पर हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही पर्यावरण प्रेमियों की कहानी, जिससे आप भी होंगे पर्यावरण के प्रति जागरूक। पहले आपको बताते हैं दुर्ग के रहने वाले गेंदालाल देशमुख के बारे में। वैसे तो गेंदालाल देशमुख अब इस दुनिया में नहीं है, 4 साल पहले उनका कोरोना में निधन हो गया था, लेकिन आज उनके लगाए पौधे पेड़ बन चुके हैं। गेंदालाल देशमुख ने सिर्फ दुर्ग ही नहीं पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाकर मिसाल पेश की। वहीं गेंदालाल देशमुख के साथ काम कर रहे हैं रोम शंकर यादव। वो बताते हैं कि वो आज भी पर्यावरण को लेकर जागरूक हैं और उनकी पूरी टीम पर्यावरण को बचाने में हमेशा तत्पर रहती है। अब बात करते हैं ऐसे ही एक पर्यावरण प्रेमी। आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे पेड़ है, लाइन से सड़क किनारे जितने भी पेड़ हैं, ये पर्यावरण प्रेमी गेंदालाल देशमुख जी ने 50 साल पहले लगाना शुरू किया था और वो जो पूरा पेड़ बन चुका है आप देख रहे हैं। इन पेड़ों को काटने के लिए चिन्हांकित किया जा चुका था और वन विभाग का अमला भी पेड़ काटने के लिए यहाँ पर आ चुका था। हमारी तो मांग है कि शासन इस मार्ग का नाम गेंदालाल देशमुख मार्ग रखे। और दूसरा, यहाँ पे एक प्रतिमा लगाया जाए, जैसे ये चौक आता है यहाँ पे एक प्रतिमा लगाया जाए गेंदालाल जी देशमुख का, ताकि आने वाली पीढ़ी प्रेरित हो कि ये गेंदालाल जी देशमुख है जिन्होंने इन पेड़ों को लगाया है। और अब बात करते हैं दामोदर कश्यप की, जिन्होंने बस्तर में एक जंगल को कटने से बचाया और उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से 700 एकड़ जमीन को जंगल बना दिया। बस्तर जिले के संत करमरी गांव में रहने वाले दामोदर कश्यप देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दामोदर कश्यप ने बेहद कम उम्र में जंगल को बचाने की मुहिम चलाई थी और उनकी मेहनत का नतीजा ये रहा, बस्तर में 700 एकड़ जमीन में लाखों पेड़ बचे हुए हैं। दामोदर बताते हैं 70 के दशक में जब वे स्कूली पढ़ाई कर रहे थे तब जंगलों की कटाई से बेहद चिंतित थे। छात्र रहते उन्होंने जंगलों की कटाई का विरोध किया था, इसके बाद उन्होंने जंगलों को संरक्षित करने का काम शुरू किया। मैं इसको मेरा सोच विचार था और बचपन से ही मैं जब स्कूल पढ़ रहा था इसको, फिर मेरे जंगल के प्रति बहुत रुचि था। इसको किसी भी हालत से पर्यावरण को बचाना है, भविष्य के लिए हर चीज के लिए जरूरत है, हवा पानी सांस जो जमीन के अंदर रहता है उसके लिए भी ये पेड़ पौधा रहना जरूरी है। भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम जंगल बनाना पड़ेगा बोलने से फिर उसमें मान गए। शासकीय जमीन है उसमें पौधा नर्सरी बना के पौधा लगा के उसको मैं जंगल तैयार किया हूँ। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर पेंड्रा जिले में हो रहे उल्लेखनीय काम की, जहाँ क्षेत्र में आने वाले सभी नालों, छोटी नदियों और तालाबों में जल संरक्षण का काम किया जा रहा है। आम के आम, गुठलियों के दाम, कुछ ऐसा ही पेंड्रा विकास खंड में नदी नालों और तालाबों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के तहत हो रहे और रोजगार मूलक जनहित कार्यों में देखने को मिल रहा है, जहां छोटे नालों की साफ सफाई, तालाबों का गहरीकरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसमें नालों के दोनों तरफ सालों से मिट्टी और कचरों की सफाई की जा रही है। योजना के तहत मजदूर लगातार नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर साफ सफाई, गहरीकरण का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ नदियों के बहने का क्षेत्र बढ़ जाएगा बल्कि मिट्टी, कीचड़ और सालों से जमी गंदगी साफ हो जाने से नदियों के जल की गुणवत्ता पर भी निश्चित ही फर्क पड़ेगा। आज विश्व ये मनरेगा के तहत गाद सफाई का है, जो नाला है, छोटा नाला काफी कचरा होके और छोटा हो गया था, तो इस नाला को मनरेगा के द्वारा जिला प्रशासन ने पास किया और इस नाला को चौड़ा करते हुए पानी का जो बहाव है उसको सही और जमीन के अंदर सही पानी का स्तर बना रहे, नाला सुरक्षित रहे, ऐसा है। और 300 मीटर के आसपास ये मनरेगा द्वारा पास हुआ। हमारे जो मनरेगा जो चलती है योजनाएं महत्वपूर्ण, उसमें मजदूरी मूलक कार्य है जल संवर्धन के तहत। हम इसमें नाली की सफाई, उसके गाद को निकालना, उसके सफाई कर करके जनहित के रूप में इस काम करने के लिए लेते हैं। तो मनरेगा की ये बहुत स्कीम है जिसके तहत ये कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसमें अभी वर्तमान में जनपद पंचायत पेंडर में कार्य किया जा रहा है।
साल 2024 की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। मौजूदा वक्त में प्लास्टिक की बढ़ती उपयोगिता ने पृथ्वी में जीवन के अस्तित्व पर संकट पैदा किया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज माइक्रो प्लास्टिक एलिमेंट लोगों के खाने तक पहुंच रहा है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक की रिसाइकलिंग बहुत कम मात्रा में हो रही है, वहीं पन्नियों या प्लास्टिक के कैरी बैग्स नालों नदियों से होते हुए समुद्र में मिल रहे हैं। पर्यावरण प्रेमी नितिन सिंघवी कहते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस अनुपात में इनका उत्पादन होता है उस अनुपात में रिसाइकलिंग नहीं हो पाती। प्लास्टिक के कैरी बैग ले आएंगे, पॉलिथीन झल्ली लेके आ जाएंगे, ये हमारे दुश्मन हो गए हैं। तो ये इसका असर अब इतना पहुंच चुका है कि सबसे ज़्यादा जो आज हमारा ओशियन है, 72% हमारा एरिया में ओशियन है, पूरा ओशियन हमारा ख़राब हो रहा है। हमारे एक्वेटिक लाइफ जो है, जो फिश है जिसपे ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, वो फिश में जो है माइक्रोप्लास्टिक्स आ रहे हैं। 2020 के आसपास में स्टडी की गई माइक्रोप्लास्टिक की, तो प्रेग्नेंट वुमेन के जो प्लेजेंटा है उसमें माइक्रोप्लास्टिक मिली, फीटल में माइक्रोप्लास्टिक मिली। तो ये कितना जगह पे पहुंच चुका है। अमेरिका में हर बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो वाटर लाइंस वगैरह हैं, जो पाइप की बनी हुई हैं, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारा उसका उपयोग होने लग गया है। तो ये माइक्रोप्लास्टिक अब हमारे शरीर के अंदर जाने लग गई है। अभी तक के साइंस के पास में एक्चुअल डाटा नहीं है कि ये किस किस हद तक के हमारे कौन से ऑर्गन्स को नुकसान कर रही है। हमको मेन मालूम है कि ये लंग्स को ख़राब कर सकती है, इससे कैंसर हो रहा है, इससे बहुत सारी हमारी नुकसान हो रहे हैं, पर ये पूरा हमारा सिस्टम ही खराब कर दे रही है।